आ कथा कौन शंकर आज्ञा सर आमर से जो होटेल तैयारी करने जो इन्वेस्टर मैंने आसते से खबर आउ कौन आमे जो जगटा चिंता करते होटेल करने से मिलगला तो कम के स्टार्ट हो सर कम आ गोटे सप्ताह भितर आरंभ हो सर आप एक आप मन रू बाहर कर दिंतु मुझे ना हाँ शंकर तू अच्छु बोली तो सब कम तोरी उपरे छाड़ी देकर मुझे निश्चिंत अच्छी सतरे कौ जन्म रे मु की पुण्य करथले के जानी तो भली गोटे भाई टे पाई शंकर तू मो घर मो परिवार रो गोटे बड़ा सपोर्ट तू जदि नथंतु घर ऑफिस बाहर ये सब कम मुझे मैनेज कर बुझिपारे मु ठीक अच्छे एवं सब कम तू संभा आसन सर तुषार महापात्र तू बोधे ये कथा जाणी न तु गोटे तो घरे काल नाक को पोषा दे सी तो खानदान को पूरा पूरी शेष करदब अरे एम तो मुझे तो परिवार को केवे शेष कर सी कि कौन करी एवं मो झ माने मलिया मो बाट चकी जमी भी हो मत बाहा शीघ्र सारे पड़ कि बर्तमान पर मत से मेरेन टाइप षाठी एकर जमी को हटेबा पड़े जा परन महापात्र स्वप्नर होटेल से ठिया हम आईटा आसब मो हाथ को तुषार महापात्र आपे रो बे आपे सुन मत से जगह दु दिन भितर जमी हेले भी दरकार बुझिपारू अब केर ते कही साम दाम दंड भेद जहा प्रयोग कथा कर किंतु से जगह मत दु दिन भितर दरकार बुझिपारू दरकार पड़ी जी से जगह पर तुम्हें गुड़ फुट मर्डर कर किंतु से जगह मत दु दिन भितर दरकार मान दु दिन भितर दरकार बुझिपारू हाँ फेणी तुम तो उदास कहीं जना पड़ नाई खुशी एक्चुअली अजा आम उपर बहुत जोर रागिक अच्छा मत मो दुख ना मु अजा पर से मो रागे नहीं तो क्या उपर रागे किंतु से तुमको बहुत भल पाते और मोपाई ए तुम सहित तो भल कथा भी होना यह कथा देख मत बहुत कष्ट लगुच तमें चिंता करने चिंता किमती करें खुशी तमें देख लाख हाथ में जिते तेल छिटका पड़ला और तमें हाथ जो ठंडा पानी बुड़ाऊ से हाथ टाणी आनले छड़ा अजा निष्पत्ति एजाए आमको कही ना से जदि तुम निर्बंध आउ थे रजत सांगे कर दिंती हुए तो मुझे मु तो बुझिपारूनी से जो भाई रागिक अच्छा ये पिस्थित आम आमपाई केमी मनवा अजा को मु बुझे फेणी आ मोर विश्वास से मो कथर के बाहर जब शुण तुम्हें कथा चिंता करनी चल आम शीघ्र बाहर बाहर अटो ठिया संक्रांति पूजा आरंभ हाँ आगु आमको लड़ू भोग सब नहीं पहुँचवार अच्छे मंदिर अच्छा गोटे अटोरे ये सब कंटेनर जगह धर तो हाँ देखिक एडजस्ट कर दबा जदि जगह न धरब ताले किसी सीट उपर धरिक बस पड़े चल रह खुशी
जदि सीट रे तू लड्डु रखी नहीं कि जीवु ताल तो भाभीस्वामी बसिबो कोठी कौन ला खुशी तुम मुंह सुखे दलो कहीं की ओ काली आम निर्बंध भांगी गला मन दुख कर तो कौन है सेठ काली भांगी गला आगु को तो हब ना तेणु पणा संक्रांति भाई आज शुभ दिन में आम सुख दाम्पत्य जीवन केमती आगे भलि कटिव से आम मंदिर को जीवा आ भगवान पाखर आशीर्वाद नहीं आस आमको शुद्ध मनरे भगवान प्रसाद बनई मंदिर को जाकर भोग लगे पड़े आम जब से ठाकुर आशीर्वाद पाई ना ताले निश्चय आम नुआ जीवन पर किसी बाट फिटे पार ठीक समय बेलू ये आसबार कौन हम के जाने एबे तो सेया हम मोटी जहाँ मु चाहिबी तते एत्ते शीघ्र मो पाखरु खसी जिबा को कुआर देबी 60 एकर जगार कथा ना पुणी पूरी मेराइन ड्राइव भली रोड रे ये कौन किसी कम कथा रजत सांगरे तोर बाघर करी से जगह मु मो हाथ को जेमिति हेले भी निश्चय आनिबी बजरंग बलि भोग लगे लड़ू नहीं हाउ ठीक अच्छे माँ मत दिं भोग कर दे चल जानपार नदे आज पणा संक्रांति टिके समय पर मंदिर बहुत भिड़ हो दियों को दर्शन भी ठीक से ही पार खुशी चल जाके आगे प्रथम दियों को दर्शन कर चली आसा तापर जाए जहाँ चल रजत बारंबार कहीं मो पाक लग आस जाने मत ना बहुत जोर सोस लगे से कथा कौन कि इत्ते खरारे अटोरु मंदिर जाए लड़ू बोही बोह कि आनली ना से ये दीज जाक आखिर आखिरे बहुत कथा कथ रह मोटी थरे खाली तो सांगे मो एंगेजमेंट हो सारे तो कथा मु बुझु हूँ ठीक अच्छे मुझे नहीं क्या ठीक अच्छे कौन है सुन रे बाबू खुशी मो स्त्री हाँ जाकर एंगेजमेंट मो सांगे हम तेणुक तू जीवा दरकार ना पा आने का मुझे हेले खुशी मुझे पा आनी दे था बंद कर बेकार कथा कौ शुभ नहीं थे मुझे परा हूँ ठीक अच्छे खुशी तमें तो था मुझे सांगे सांग जा तुम पा नहीं आस बहुत मजा आसला ना फेणी बहुत मजा आसला मुझे तो बेलू देखुची से मो पाख ही छाड़ू ना कि मुझे चाहूली आम दिज मिसिक ठाकुर को दर्शन करवा
सेथिपई मु एमती नाटक करले आ हम नाटक बहुत बढ़िया काम देला हो चलो दियों को दर्शन करी आसीबा भाई ओडा पानी बोतल दबो दी जनों का मिलामिशा दिनों दिन बहुत बढ़ी गला ना केमिति भी हो से फेणी को खुशी को तो अलग करने को ही पड़ो प्रभु संकट मोचन तुम दुई जन को सब संकट रु उद्धार करंतु ए दुई जन एकाठी होई आज मते पूर्ण थरे बोका बनेले तबे तो बाध्य होई मते अंगूठी बोका करबा को ही पड़िबो चलिया तू ये सैड कौन पाई देखा जाऊ छु किछि नै दीदी बस एमिति आ साइड साइड रख ये आसी बारे किछि असुविधा हैनि त ये महापात्र मेंशन कहिले लोक सीधा सीधा बाट देखे देतिबे उ नै हां हां अपन को घर खोजि पाइबार किछि असुविधा हैनि शंकर बाबू हमकु जो एड्रेस दैथिले आमे पचारि पचारि आसी गलु मो झियो देखिबा को चित्ती की सुंदर गुण रे भी सेत्ती की पारंगम घर काम ठारु आरंभ करिकि ऑफिस काम पर्यंत सबु थिरे मो झियो पारंगम आपण ए झियो कथा कहउछन त आउ को कहिबा को छि एबो मोरी झियो मो झियो ये 50 झियो को भीतर जदी बसीथिबो तले बारी हेई पडिबो बहुत गुणर सिए ये चारि हाथ रे चारि काम करिकि धोई दबो ये नै दि हाथ रे करि धोई दबो मिस्टेक माय मिस्टेक झियो कोन मन दुख करि बसछि कथा कोन ये बाहागर से राजी नै ना कोन बाप घर छाड़ी सासु घर को जीवा कथा सुनिले को झियो खुशी थाए सुमित्रा देवी आपण माने एकदम ठीक कथा कहिछंती मा तू बिल्कुल भी चिंता करनी तते आम बहु नुहे बरम तते आम झियो बने केठ नबु आ तू आम पुओ सहित बहुत खुशी रे रहबु बुझिलु देख तू जदि को पुओ को पसंद करुछु ताले एबे ठरो आम कहि दे आजिकालिका पिला तेणुक समस्त मनर मनीष कहीं ना कहीं थे निश्चय तेणुक तो मन जब किए अच्छा एवं कही दे तेणुक आग को जमी कि प्रॉब्लम न हो मो मनरे सेमती कहीं भी ना घर लोक मैंने जहाँ ठीक भावे से ही कर आलिया बहुत उदास जना पड़ुछि किछि त गड़बड़ निश्चय अछि ये मो झियो भारी लाजो कुइटा देखु नाति लाजो रे केमिति उठै कि पळै गला भाति बारे एथरे कोन अछि मो ये बाहागर पक्का बोली कि भाबी नि मते हां जदि आपण को तरफ प्रस्ताव पक्का आम तरफ भी किसी प्रॉब्लम ना ना कौन कौन सुमित्रा हाँ हाँ झी आम बहुत पसंद आ
ବସି ଶୀଘ୍ର ଇଏ ମିଠା ନିଅ ଇଏ ସମୁଦି ସୁମା ମୋ ବାହାଘରକୁ ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ମୁଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବି ଲାଗୁଛି ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଲିଆ ଖୁସି ନାହିଁ ବୋଧେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ କର ଦେଖ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଛି କଣ ମୋରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧୁରା ରହିଯିବ ଦେଖ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦବା ନା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ କଥା ନୁହଁ ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ କର କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲ ଦେଖିଯାଅ ଏବେ ମାମା ପାପା କେମିତି ମୋ ବାହାଘର ଆଉ କାହା ସହିତ ଠିକ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ନା କରନ୍ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲ ତମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କରନ୍ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ସହିତ କେମିତି ସଂସାର କରିବି କେମିତି କରିବି ମାମା ଆଲିଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ସେଦିନ ତମେ ମୋତେ ଜମା ବି ଅଟକିବନି ହଁ ହଁ ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେତେ ନାଚିବୁ ମୋତେ ଜମା ବି ମନା କରିବିନି ଏଥର ଖୁସି ଆଲିଆ କଣ ହେଇଛି ତୋର ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ରିୟା ମା ତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯା ଦେଖ ଅଜା ତୋ ପାଇଁ ବାହାରେ ଭଲ ଭଲ ଖେଳଣା ଆଣିଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେସବୁରେ ଖେଳ ହେଲା ଆଲିଆ କଣ ହେଇଛି ତୋର ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ନାହୁଁ ତୁ ବୋଧେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଦେଖ ସତରେ ଯଦି ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ତାହେଲେ ମତେ କହ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିକି ତା ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ କରେଇଦେବି ସେ କଥା ଆଉ ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଦିଦି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଏବେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଠି କେତେ ଭଲ ଡେକୋରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଁ ଆମର ଏଠି ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳୁ ଭାଇ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଭାଇ ନିଶା ହେଇଯିବ ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କିଛି ହବନି ତମେ ଦଉନ ଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ଦିନରେ ପଣା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗ ପିଅ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର
ସାବାସ, ଆଜି ଦେଖ ଏ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ଖୁସି। ବହୁତ ଅଏସ କରିଗଲୁ ସେ ଫେଣି ସାଙ୍ଗରେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ ଲବର୍ସ, କଣ ଟୁପୁଟାପୁର ଚାଲିଛି ଏଠି? ରନି ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ନା? ଆରେ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ହାଲକା ପୁରା ଟିଜିଂ ନରେଲେ କ'ଣ ମଜା ଆସିବ? ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଜଣେ ଟିକେ ଆସିବନି ବୋଲି। ଏନିମେସ୍ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଫେଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ୱିଶ୍ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ୱିଶ୍ କଲୁ? ଆରେ ବାବା ହେଲା, ତମେ ଜଣେ ଏକ ନା, ତେଣୁ ତତେ ୱିଶ୍ କରିବା ଯା ଫେଣିକୁ ୱିଶ୍ କରିବା ଏକା କଥା। ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ, ତୁ ମୋତେ ହିଁ ଆଗ ୱିଶ୍ କରିବା କଥା। ହେଲା ବାବା, ୱିଶିଂ ୟୁ ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ତମ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। କଥା କ'ଣ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବ ଟିକେ ଜୋରେ ଜମିଗଲାଣି କି? ପୁଣି ତୋ ପାଟି ନା କେବେ ଚୁପ୍ ହବନି, ବୁଝିଲୁ? ନାଇଁ, ପଣା ପି ଆଉ ପାଟିକୁ ଚୁପ୍। ଆରେ ମୋ କଜିନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯେମିତି ମଜା ଆସିଥିଲା, ଆଜି ପଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମିତି ଧୁମଧଡ଼ା କାଟିକି ହେଇଯାଉ? ନାଇଁ ରାନୀ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା, ପୁଣି ଏଇଠି ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ହେଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା, ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ମନା କଲି ନା ରାନୀ, ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ। ଫେଣି ନିଅ ପଣା ପିଅ।